अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक उड़ीसा के हॉन्टेड हाउस के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए थे। उससे जुड़ी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी बताए थे जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। उसी समय मैंने जिक्र किया था कि ऐसे ही एक रहस्यमयी घर, एक ऐसे ही रहस्यमय विला खंडाला लोनावला में भी एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली लोनावला से कुछ ही दूरी पर खंडाला वाले रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया सा विला पड़ता है। लगभग 90 से 100 साल पहले की वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी कि आज भी कोई सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना की वजह से आज भी वो विला बहुत खतरनाक तरीके से भूतिया है। केवल वो विला नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बहुत खतरनाक तरीके से हॉन्टेड हो चुकी है। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग उसी आयशा विला के बारे में आप लोगों को जानकारी, उसी की एक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि मुंबई में रहने वाले क्रिश्चियन परिवार बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। बहुत पैसा था उनके पास, बढ़िया बिजनेस चलता था, पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी किसी तरह की उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी। जो घर के मुखिया थे उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी। बेटी भी बड़ी थी, यही 17-18 साल के आसपास की थी। उसी दौरान उन लोगों ने फैसला लिया कि अब बहुत हो गई लाइफ में भागा दौड़ी, अब लाइफ में थोड़ा आराम करेंगे, यहाँ से निकलकर कहीं और रहेंगे खूबसूरत वादियों के बीच में। उन लोगों ने एक प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू किया। उन लोगों को मिली खंडाला के आसपास की ये प्रॉपर्टी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर थी, यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, आसपास में बहुत कम घर भी थे। तो इन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिए। इस प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने के बाद सब मतलब बहुत खुश रहने लगे यार, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी सा फील होता था। इनके बिजनेस में और तरक्की होने लगी, जैसे कि मानो ये प्रॉपर्टी, ये घर उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अपने आप दे रहा था। इसी घर में रहते दौरान उन लोगों ने उस टाइम की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस खरीदे। उस समय रोल्स रॉयस खरीदना मतलब ऐसा था कि भाई आप राजा महाराजा जितने पैसे वाले हो, क्योंकि ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी उस समय रोल्स रॉयस। इन लोगों ने खरीदे तो आस पड़ोस के लोग इन्हें देखकर बहुत ज्यादा जलने लग गए कि बताओ हमारे पास तो ठीक से साइकिल भी नहीं है, बैलगाड़ी भी हम ढंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ये इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। लोग मनी मन उस परिवार से खुन्नस खाने लगे। जब ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए थे तो थोड़ी बहुत बातचीत तो आस पड़ोस के लोग कर लिया करते थे, लेकिन अब कंप्लीटली उन लोगों से मतलब ये घर से बाहर भी निकलते थे ना तो आस पड़ोस के लोग ऐसा मुंह घुमाने लगे थे, बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे इनको। इनकी बच्ची आयशा के साथ कोई खेलता भी नहीं था। कोई भी एक लड़की से बातचीत ना करे, ऐसा मतलब कम उम्र का कोई बच्चा हो, वो अपने घर से निकल रहा है, किसी भी काम से जा रहा है, किसी से भी बात करने की कोशिश कर रहा है, और उससे कोई भी रिस्पॉन्स से अच्छे तरीके से बात ना करे, मुंह फेर ले, तो उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आयशा के ऊपर भी वही इफेक्ट पड़ा। आयशा अपने घर पर पूछती तो उसके मम्मी पापा इग्नोर कर देते, बात काट देते। ऐसे करते करते वहाँ पर कुछ समय बीता। कुछ समय बाद आस पड़ोस के लोग बिना मतलब के इन लोगों से झगड़ा शुरू कर दिए। छोटी सी चीज होती इन लोगों से चिल्ला चिल्ला कर सब लोग झगड़ा करने लगते, झुंड बनाकर आते झगड़ा करते। फिर कुछ और समय बीता, फिर एक दिन अपने आप रात का वक्त रहा होगा यही कोई 8-8:30 बजे, करीबन 30-35 लोगों का झुंड इस घर में घुसा और लगातार आयशा के माता पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। हाँ, बहुत बुरी तरह से मारे, बहुत बुरी तरह से। क्यों? लेकिन बस ऐसी, क्योंकि जलने लगे थे। ये लोग समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग थे, अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, और उनकी खुशी से आस पड़ोस के लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये क्यों हैप्पी, हमारे साथ ही सब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इनके साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब उनका ऐसा सोच हो गई थी कि हमारे हक की भी ये खुशी ले लिए हैं क्या इस एरिया में आके। लेकिन ये तो फुकट में जलने का बोले ना, क्योंकि खुद मेहनत कर खुद कमाना नहीं है, कोई इंसान अच्छे समृद्ध है तो उससे इतना जलना और बिना मतलब मारपीट करना, कैसे सोच के लोग होते हैं। वही तो, ऐसा ही हुआ, बहुत खतरनाक तरीके से मारपीट किए। ये मारपीट लगभग आधे एक घंटे तक चली। अब देखो उस टाइम में ऐसा नहीं होता था कि अपने पास मोबाइल है, फोन घुमाए, पुलिस बुला लिए, नहीं होता था। और एक छोटी बच्ची का दिमाग भी उतना नहीं चल रहा है, क्योंकि उस बच्ची के साथ भी हाथापाई हुई थी। फिर वहां पे किसी एक जो एकदम घटिया सोच वाला रहा होगा, उसने वहां पे फायर कर दिया, मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसी में झुलस कर आयशा के माता पिता की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई।
अब वहां पे जो भीड़ थी उसमें से कुछ दरिंदों की नजर आयशा के ऊपर पड़ी और वो आयशा के ऊपर टूट पड़े, उसके साथ बहुत बुरा कर्म किए और फिर वो भी तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। और वहां से जैसे कि राक्षस किसी चीज में जीत जाते हैं वैसे खुशी मनाते हुए वहां से बाहर निकल गए। फिर क्या था, ये कांड के ठीक 3-4 दिन बाद लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किए कि इस घर के अंदर से अभी भी आवाज आ रही है, जैसे कि उस रात को आई थी आज भी आती है, चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। कोई भी पास में जाकर ढूंढने की या कुछ समझने की कोशिश करता तो उसे अजीब सी अंदर से फीलिंग आती, एक अजीब सा डर लगता, ऐसा लगता कि उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, तो व्यक्ति वहां से भाग जाता। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीते और उस घर के आसपास लोगों ने जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। जो कोई भी जाता ये दावे के साथ कहता उसे आवाज तो आती आती है, साथ ही साथ एक लड़की भी दिखाई देती है सफेद कपड़ों में। कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसके अंदर जाए और उस प्रॉपर्टी को अपने हिस्से में ले ले, क्योंकि इनके रिश्तेदार तो बेशक रहे होंगे। रिश्तेदारों की भी हिम्मत नहीं पड़ी और ये जिन दरिंदों की भीड़ ने यह हरकत की थी उन लोगों की भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि इन शॉर्ट उन लोगों का शायद यही मकसद रहा होगा कि इनको खत्म करो और ये प्रॉपर्टी अपने अंडर में ले लो। यही होगा, जमीन प्रॉपर्टी का ही ये लफड़ा था। उन लोगों को लगा होगा कि इतने अमीर लोग हैं, इनके रिश्तेदार भी अमीर होंगे और एक घर के लिए ऐसे भागा दौड़ी करेंगे नहीं, तो इनको मारो पीटो और ये सब ले लो, ऐसे ही सोचे होंगे। लेकिन उन लोगों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम जाते हैं इस घर के अंदर तो हमें कोई दिखाई देता है। फिर कुछ दिनों बाद एक बच्चा शाम के समय बाहर खेल रहा होगा, यही 6-6:30 बजे के आसपास, और उसकी बॉल इस घर के पास चली गई। बच्चे की उम्र यही कोई 12-13 साल के आसपास की रही होगी। वो बॉल लेने के लिए इस घर के पास गया ही है कि उसे वो जो रोल्स रॉयस कार थी उन लोगों की, वो दरवाज़ा बंद होते हुए दिखा। वो बच्चे ने सोचा कि अरे इस घर में तो कोई रहता नहीं है, देखता हूँ बोला ये कार का दरवाज़ा बंद कैसे हुआ, पहले खुला हुआ था बंद कैसे हुआ। वो बच्चा बाहर की तरफ से ही मतलब गेट के सामने ही लगी हुई है और वो गेट ऐसा जाली जाली लकड़े लकड़े वाला है, तो वहाँ से कार दिखती थी, तो ये वो जाली के गेट के सामने तरफ आया और कार देखने की कोशिश किया, तो क्या पाया कि कार के फ्रंट सीट में आयशा बैठी हुई। आयशा को उस लड़के ने बचपन में देखा था, क्योंकि अभी तो 12-13 साल का हो गया था ना, लड़का थोड़ा बड़ा ही था, और बचपन में उस लड़के ने आयशा को देखा था तो उसको याद आ गया अरे ये तो आयशा दीदी है। वो चिल्लाते हुए गया घर की तरफ, मम्मी पापा सबको बताया कि मुझे आयशा दिखी, आयशा दिखी, आप लोग तो बोलते थे कि वो लोग यहाँ से चले गए कभी नहीं आएंगे, वो आ गई है, उनसे बात नहीं करना चाहिए ना हमें, इसलिए मैं भाग भाग के आ गया। तो उसके माँ बाप बड़े टेंशन में आ गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई, सब लोगों ने सुन लिया, फिर लोग वहाँ पर जाने लगे। बहुत सारे लोगों ने आयशा की स्पिरिट को देखे, बहुत सारे लोग वो कार में पत्थर मारते, बहुत सारे लोग वो कार से जुड़ी हुई चीजों को निकाल के उसको मतलब पूरी तरीके से वो मतलब कार खोलने की कोशिश कर देते कि ना ये कार रहेगी ना ही आयशा की आत्मा। लेकिन वो सारी चीजें अपने आप एक रात के बाद जुड़ जाती। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कार धक्का मार के उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाले, बोले कि इसको जाओ कहीं दूर छोड़ के जाओ, अपने एरिया में नहीं चाहिए लफड़ा, क्योंकि इस कार के अंदर दिख रही है वो लड़की, शाम के समय दिखती है, दिन में नहीं, तो इन लोगों ने दिन में लेके गए। अब शाम होते होते मतलब शाम होती और अगला दिन निकलता वो कार वापस से अपनी जगह पे मिलती। इस कार की कंप्लेंट भी हुई, मतलब वहाँ के जो शासन रहा होगा पुलिस वाले रहे होंगे उन लोगों ने भी इस कार को वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन रात भर में पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार होता है ये कार वहीं पर लौट कर आ जाती। जैसा कि मैंने बताया कि कार के पुर्जे तक निकाले गए थे, तो भी निकाल निकाल के लोग अपने घर में भी ले गए थे कि इसको घर में रख दो, ये पूरी कार खोल दिए हैं। लेकिन अगले दिन उठते तो जो पुर्जा घर में लेके आया था कोई इंसान, उसको वो पुर्जा अपने घर पे दिखता ही नहीं। भाग के जाके उस आयशा बंगलों में देखते तो क्या पाते कि वो पुर्जा तो कार में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सब लोगों ने ये ऐलान कर दिए कि अब कुछ भी हो जाए इस घर के पास नहीं जाना है। एक मूवी आई थी लकीर नाम की, उसका एक सीन है इस कार के सामने शूट किया गया था, वो भी उसी लोकेशन में जाके। उस कार को बाहर निकालने की हिम्मत किसी ने नहीं किया। खैर ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, फोटो शूट करते हैं,
लेकिन लोग क्या कहते हैं पता है, कि अगर आप आयशा बंगलो, उस बंगलो का नाम हो गया आयशा बंगलो या आयशा विला, आयशा विला या आयशा बंगलो में जाके आप फोटो खींचेंगे खासकर उस कार के साथ, तो दो फोटो से तीसरी फोटो आप कभी खींच नहीं पाएंगे। सिर्फ दो ही फोटो क्लिक होगी, तीसरी फोटो आप जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, कैमरा है तो कैमरा अचानक से हैंग हो जाएगा या बंद पड़ जाएगा। तीन फोटो चार फोटो तो आप कभी खींच नहीं पाएंगे, सिर्फ दो, मतलब दो। ये बहुत अलग ही घटना है, और जहाँ तक ये घटना है ना, थोड़ी थोड़ी वैसी भी लग रही है टार्जन द वंडर का कार, जो शायद यहीं से इंस्पायर होकर बनाया होगा, यहीं से इंस्पायर होकर वो फिल्म बनी होगी। और ऐसा है कि अभी भी उस कार को देखोगे ना तो देख के बता नहीं सकते कि 90-100 साल पुरानी कार है। इतनी नई दिखती है, इतनी नई भी नहीं दिखती है, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं दिखती है। उस कार को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सेव करता है। कहते हैं कि आयशा को उस कार से बहुत ज्यादा प्यार था, हो सकता है कि वही उसकी आत्मा उस कार को बहुत अपने दिल के करीब था, इसलिए अभी भी दिल के करीब समझती है और उसमें अभी भी बसती है उसकी आत्मा, अभी भी बसती है। लेकिन सोचो उनके साथ तो उतना बुरा हुआ, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने उनके साथ किया था उनके साथ कुछ बुरा कर भी नहीं पाए, क्योंकि वहां पे वो आए नहीं होंगे, कहीं चले गए होंगे। सही बात है, लेकिन वो उनकी जिंदगी में ऊपर वाला उनके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा किया ही होगा। सही बात है। कभी आपको भी मौका मिले तो आयशा विला, अगर आप लोनावला या खंडाला जाते हैं तो आयशा विला में ज़रूर विजिट करें। लोग कहते हैं कि उस बंगलों के आसपास भी जाओ ना तो आपको लिटरली प्रेजेंस फील होती है कि यहाँ पे कोई तो एक ऐसे एनर्जी है जो कि बहुत सताई हुई है, बहुत तड़प रही है, आपको अंदर से पेन महसूस होगा वहाँ पे कुछ समय भी आप रुकेंगे तो। और कार की तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको ज़रूर फील होगी। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।